हे गाइस वेलकम दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A73 5G जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा और ये गैलेक्सी A72 5G का एक सक्सेसर होने वाला है। एक्चुअली दोस्तों सैमसंग 17 मार्च को बिग लॉन्च इवेंट करने वाला है ए सीरीज के रिगार्डिंग, जहां पर ए सीरीज के कुछ न्यू प्रोडक्ट को अनवील करने वाला है। और अकॉर्डिंग टू लीक्स निकल के आ रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A73 5G, A53 5G एंड A33 ये तीन स्मार्टफोन डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी दोस्तों A73 5G Geekbench और ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर ऑफिशियली सपोर्ट कर दिया गया है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि सैमसंग की M सीरीज Amazon एक्सक्लूसिव होती है, F सीरीज Flipkart एक्सक्लूसिव होती है एंड ये जो A सीरीज है ये दोस्तों ऑफलाइन मार्केट को कैप्चर करती है। और इस सीरीज के जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना वो दोस्तों मोस्ट एक्सपेंसिव एंड प्रीमियम स्मार्टफोन्स होते हैं। तो डेडिकेटली इस वीडियो के अंदर मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी A73 5G स्मार्टफोन के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, क्या क्या आपको फीचर्स मिल सकते हैं और ये क्या प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है, तो फुल एक्सप्लेन करूंगा। बट गाइस यार आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करूं तो इसका जो डिजाइन है वो कुछ खास नहीं होने वाला है। A52, A52S, A72 इनके अंदर जो डिजाइन था सेम उसी टाइप का डिजाइन यहाँ पर होने वाला है, ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं होगा। बैक साइड में ग्लास होगा, ग्लॉसी फिनिश के साथ क्वाड कैमरा सेटअप होगा, LED फ्लैश होगी, सैमसंग की ब्रांडिंग होगी, ये सेंटर पंचोल डिस्प्ले डिजाइन के साथ आने वाला है। अगर दोस्तों डिस्प्ले की बात करूं तो इस फोन में 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले होगा सेंटर पंचोल और ये 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला है। इसमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट होगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और साथ ही साथ डिस्प्ले पर कोइनी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी होने वाली है। तो डिजाइन डिस्प्ले इनके अंदर ज्यादा कुछ भी अपग्रेड नहीं किया गया है प्रीवियस स्मार्टफोन्स के कंपेयर। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि 6nm प्रोसेसर है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है और गेमिंग आपको एकदम कमाल की कराता है। अच्छा चिपसेट है, गेमिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 होगा, जो कि 1UI 4K लेटेस्ट वर्जन पर ये बेस्ड होगा, जहां पर आपको फुल नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसका एक ही वेरिएंट लीक किया गया है 8GB प्लस 128GB और आई थिंक यहाँ पर आप लोग SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, डुअल सिम कार्ड स्लॉट दिया जाएगा। दोस्तों कैमरा की बात करते हैं, जो कि आई थिंक इस फोन का हाईलाइटिंग फीचर हो सकता है। इसमें रियर साइड में क्वाड कैमरास होंगे, प्राइमरी लेंस दोस्तों 108 मेगापिक्सल का हो सकता है, वो भी OIS के साथ 108 मेगापिक्सल विद OIS दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये पहला स्मार्टफोन बन सकता है और कैमरा की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट होगी, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि सैमसंग कैमरा वाइज ऑप्टिमाइजेशन अच्छा करता है, जिससे आपकी वीडियो क्वालिटी और फोटो इमेजेस सेल्फी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट रहती हैं। तो नो डाउट सैमसंग की कैमरा क्वालिटी कमाल की रहती है, यहां पर ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग का जबरदस्त होने वाला है। अगर दोस्तों ये आपको कैमरा सेटअप मिल जाए ना तो कैमरा वन ऑफ द बेस्ट होगा, फ्लैगशिप ग्रेड का आप लोग बोल सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ देन 5 मेगापिक्सल का सुपर माइक्रो लेंस दिया जाएगा। रियर से आप लोग 4K 60fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी होगी, जहां से 4K 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। दोस्तों बैटरी की बात करूं तो इस फोन में 5000mAh की बैटरी होगी, जो कि 25W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है। बट आई एम नॉट श्योर कि बॉक्स में आपको चार्जर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों F23 के अंदर आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिला था, जो कि बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन था। मतलब दोस्तों बजट और मिड रेंज सेगमेंट के अंदर से भी सैमसंग चार्जर को रिमूव करते आ रहा है। फ्लेक्सिबल में से तो काफी पहले ही रिमूव किया था, एप्पल की कॉपी की थी, बट दोस्तों बजट और मिड रेंज में से फिलहाल आपको चार्जर रिमूव देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि इस फोन के अंदर भी आपको बॉक्स के अंदर चार्ज नहीं मिले, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि मिल भी जाए। बाकी दोस्तों इसमें एडिशनल फीचर्स टाइप सी पोर्ट होगा, 3.5mm का जैक, फेस अनलॉक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए जाएंगे। इसमें दोस्तों फुल नॉक सिक्योरिटी होगी और साथ ही साथ IP67 की रेटिंग दी जाएगी, जहां से आपको काफी हद तक वाटर एंड डस्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों फाइनली मैं प्राइजिंग के बारे में बात करूं तो इसका 8GB प्लस 128GB वाला जो वेरियंट है उसकी जो प्राइस है वो निकल के आई है कि अराउंड 35,000 रहने
आने वाली है। लगभग 35,000 के आसपास की प्राइस पॉइंट पर ये डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। लॉन्च का आपको पता ही है कि 17 मार्च को हो सकता है लॉन्च, क्योंकि दोस्तों ऐसा निकल के आ रहा है। बेटे वैसे अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि कब तक आएगा, बट अकॉर्डिंग टू लीक्स 17 मार्च को ये देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आपका क्या फीडबैक है इस फोन के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।